हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड फॉर्म फाउंडेशन। और देखिए, जहां एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड टैंजिबल मटेरियलिस्टिक पैसा मनी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहने की बात करता है, वहीं फॉर्म फाउंडेशन का कार्ड एक मजबूती की बात करता है, एक सॉलिडिटी की बात करता है। तो देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो हो सकता है कि स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन मनी, पैसे, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये इश्यूज़ भी सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन फिर से देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, बियॉन्ड द पॉइंट आपको बहुत ग्रेट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बियॉन्ड द पॉइंट कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक मजबूती दिख रही है, एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन रहती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैसे एक सॉलिड फाउंडेशन अपने बिजनेस, अपने वर्क फ्रंट पे ले करें, उसके ऊपर फोकस है। तो देखिए, ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी कि छोटे मोटे इश्यूज हैं, लेकिन उससे आप इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं और बहुत एक मजबूती, बहुत एक सॉलिडिटी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 of Cups एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं। और देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए, आपके पर्सनल फ्रंट में अगेन या तो कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई चीज़ शुरू हो रही है, या फिर किसी चीज़ को एंड करके आप एक किसी लेवल पे नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी 7 of Cups का कार्ड कहता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है। और कहीं ये डिसीजन, ये चॉइस काफ़ी कंफ्यूजिंग रह रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं और आप कहीं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी आपकी डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज दिख रही हैं। आप एक ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है दूसरा ऑप्शन बेटर है, दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है तीसरा बेटर है। तो देखिए, इस तरीके से, इसी वजह से या अदरवाइज भी एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज दिख रही हैं। आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके एक फोकस अपने गोल पे, अपने मकसद पर लेकर आएँ। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप सोच बहुत रहे हैं, आप ख्वाब बहुत देख रहे हैं, आप विजन बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। और देखिए पाइसेस, ऐसा अगर आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन। तो देखिए, जो भी बच्चे आपके आसपास हैं, किस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीक कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इस पर आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे।
तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।